फ्रेंड्स, टाटा आईपीएल 2022 का एलिमिनेटर मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेज लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा। वहीं बात करेंगे क्या रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल, वहीं अगर बारिश हुई मुकाबले में तो कौन सी टीम जाएगी क्वालिफायर टू में और कौन सी टीम हो जाएगी टाटा आईपीएल 2022 से बाहर, सारी आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता के पिच को लेकर, पिच काफी अच्छा नजर आ रहा है, स्कोर लगभग 200 के करीब पहुंचने वाला है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का ड्यू फैक्टर काफी अहम फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, इसकी वजह से 200 रन भी आसानी से चेस किए जा सकते हैं। वहीं बात करें स्पिनर्स को काफी मदद होने वाली है, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से तेज गेंदबाज काफी इंपॉर्टेंट मैटर करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग दोनों ही टीमें अपनी प्लेइंग 11 चुनने वाली है। फ्रेंड्स, वहीं बात करें कोलकाता के मौसम की तो मौसम 40-50% आज चांसेस है कि बारिश आने वाली है। अगर बारिश आती है और रात्रि 1-1.5 बजे तक बारिश नहीं रुकती है तो इस मुकाबले के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्व डे नहीं रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग आरसीबी आईपीएल से बाहर हो जाएगी, वही लखनऊ सुपर जॉइंट्स क्वालिफाई टू के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर बारिश की वजह से मुकाबला बीच में रुकता है तो डकवर्थ लुईस का नियम आएगा, अगर ज्यादा बारिश होती है और कम से कम एक ओवर का मुकाबला होता है तो सुपर ओवर भी कराया जाएगा, क्योंकि सुपर ओवर से फैसला निकाला जाएगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई टू में प्रवेश करने वाली। बात करें मैच प्रेडिक्शन की तो आज मैं जा रहा हूँ आरसीबी के साथ, मेरे विचार में आरसीबी की टीम आज का मुकाबला जीत कर क्वालिफाई टू में प्रवेश कर जाएगी। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतेगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं आरसीबी प्लेइंग 11, विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, राजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल डोमरा, दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद, हसरंगा, हर्षल पटेल अगर फिट होते तो वो खेलेंगे, नहीं तो उनकी जगह आकाशदीप को मौका मिलेगा। वहीं सिद्धार्थ कोहली या मोहम्मद सिराज में से एक को मौका मिलने वाला है, जोश हेजलवुड। बात करें लखनऊ सुपर जॉइंट्स की, क्विंटन डिको, के एल राहुल, एविन डेविस, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या की वापसी होने वाली, मार्कस स्टोइनिस, जैसन होल्डर, कृष्णप्पा, गौतम, मोहसिन खान, आवेश खान, रवि बिश्नोई, कौन सी टीम जीतने वाली है मुकाबला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।